प्रतिनिधिमंडल बरेली से चलकर मुरादाबाद मुख्य अभियंता पूर्वी गंगा श्री शरद कुमार जी को ये ज्ञापन प्रेषित करने आया है कि राम गंगा बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना के नाम से एक परियोजना आज से 10 वर्ष पूर्व राम गंगा बैराज पर शुरू हुई थी, जो आज 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अधर में लटकी पड़ी है। किसान हित को देखते हुए किसान एकता संघ पिछले 4 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान जी के निर्देश पर आंदोलनित है, बराबर आंदोलन कर रहा है, कई क्रम में आंदोलन हुआ है। जिस क्रम में अगर मैं बात करूं तो किसान एकता संघ के बहुत सारे पदाधिकारियों ने गंगा जल हाथ में लेकर राम गंगा जी पर पहुंचकर कसम खाई कि जब तक ये परियोजना पूर्ण नहीं होगी तब तक हम आंदोलन के रास्ते पर रहेंगे, भले ही हमें धरना प्रदर्शन घेराव अगर जेल जाने की जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किसान हित में हम लोग करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम मुख्य अभियंता चीफ साहब के पास शरद कुमार सिंह जी हैं या आए हैं, उनकी अनुपस्थिति में हम उनके जो सहयोगी मित्तल साहब हैं उनको ये ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि इस परियोजना को शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। अगर ये परियोजना इसमें किसी भी तरीके से लापरवाही किसी भी विभाग के द्वारा या अधिकारी के द्वारा हुई तो किसान एकता संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी, जिला प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। ये आज सीधी सीधी चेतावनी देने हम यहाँ मुख्य अभियंता शरद कुमार जी के यहाँ ये ज्ञापन लेकर आए हैं।